अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हैप्पी जी का ड्रामा सील दाओ बहुत ही इंटरेस्टिंग मोड पर आ चुका है। एपिसोड में आपको दिखाया जाएगा, बहुत ही परेशान होता है जब सारी बात का पता चल जाता है आसिम को। उसका तो बस नहीं चल रहा था कि ज़मीन फट जाए और उसमें समा जाए। कैसे हो सकता है ये सब कुछ, इतना परेशान था वो कि अपनी जान ले ले। इतने में नेहा आ जाती है और कहती है कि आसिम क्या करें आप, ये देखिए अपने ऊपर इतना जुल्म मत कीजिए, मैं जानती हूँ बहुत गलत हुआ है। तो कहता है आसिम चले जाओ यहाँ से। नेहा, तुमने भी मेरे साथ अच्छा नहीं किया। अरे तुम भी मेरे साथ मुखलिस नहीं थी। मैं जानता हूँ ये सब कुछ मेरी माँ की वजह से हुआ है, लेकिन तुम भी मेरी मुखलिस नहीं हो और ना ही तुमने मुझे अपना समझा, ना ही मेरी बहनों और मेरी माँ को। नेहा भी रोना शुरू कर देती है, कहती है नहीं आसिम ऐसा नहीं है, मैं तो मामा की वजह से परेशान थी। उन्होंने मुझे धमकी दी थी कि अगर तुम्हें कुछ भी पता चला तो मुझे घर से निकाल देगी। आसिम कहते हैं सारी ज़िंदगी मेरी माँ से डरती रही और इसीलिए आज इस हाल को पहुँच गए हम। मेरी माँ, उसने तो कभी सोचा ही नहीं क्या गलत है और क्या सही। सारी ज़िंदगी दूसरों की बच्चियों के साथ गलत करती रही और आज ये सब कुछ हमारे सामने आ रहा है। नेहा कहती है इस तरह तो आपकी तबीयत बहुत ख़राब हो जाएगी आसिम, सब्र करें। देखिए ना, आसिम कहते चले जाओ यहाँ से, मुझे अकेला छोड़ दो, मैं कुछ देर के लिए अकेला रहना चाहता हूँ, बस मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रही ये सारी बातें। सब कुछ छोड़ मुझे।